खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया की इस नए कार्यक्रम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमने कल बहुत सी राजनीतिक बातें की थी, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ाएंगे अपने राजनीतिक विश्लेषण को, समीक्षा को। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की दो ऐसी बड़ी खबरें जो राजनीति पर असर डालने वाली है। एक बड़ी खबर तो आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा की पर्चा लीक कांड में गिरफ्तारी, ये बड़ी खबर है। आरपीएससी का मेंबर और चेयरमैन संवैधानिक पद पर होते हैं और उनके खिलाफ पर्चा लीक कांड में गिरफ्तारी होना अपने आप में बड़ी खबर है। हालांकि जब गिरफ्तारी हुई तो अजमेर में पूर्व मंत्री देवनानी प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे, और नेचुरली वो अपराधी के तो खिलाफ कर रहे थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी उस वक्त जब पुलिस गिरफ्तार कर रही है और कार्रवाई कर ही रही है, तो और क्या, वाट मोर। जब कुछ सामने नहीं हो, जांच नहीं हो, ठीक से पड़ताल नहीं हो, तब तो आंदोलन करना विपक्ष का माना जाता है कि लाजमी है। लेकिन पुलिस अरेस्ट कर रही है, उनके ड्राइवर को अरेस्ट कर रही है, भांजे को अरेस्ट कर रही है, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने, खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि कितना भी बड़ा आदमी होगा बख्शा नहीं जाएगा, सरकार उस दिशा में, उस नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है और इसका निश्चित तौर पर राजनीति में असर आएगा। बाबूलाल कटारा, जो कभी आदिम जनजाति शोध संस्थान के डायरेक्टर थे उदयपुर में, फिर आरपीएससी के मेंबर बने और शेर सिंह को उन्होंने जिस तरह पर्चे दिए और पर्चे बिके और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, नौजवानों के जीवन के साथ, उस पर सख्त कार्रवाई का जो संदेश दिया था मुख्यमंत्री ने, एसओजी उसको अमल कर रही है और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर मुख्यमंत्री से बड़ी नज़ीर के तौर पर पेश करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कमिटमेंट के लेकर के। दूसरी बड़ी खबर है कैबिनेट मंत्री महेश जोशी खिलाफ मामला दर्ज होना। रामलाल मीणा ने सुसाइड किया और जो उससे पहले उसने अपना बयान दर्ज कराया, उस पर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का नाम भी है। हालांकि महेश जोशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सफाई दी है और कहा है कि उनका कोई लेन देन नहीं, सामान्य तौर पर उनसे कोई मदद मांगने आता है तो जिस तरह फ़ोन करते हैं उस तरह उन्होंने फ़ोन किया, और भी बहुत सारी बातें की जो हमने खबरों में दिखाई। लेकिन ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि शव को लेकर किरणलाल मीणा बैठ गए धरने पर परिवारजनों के साथ, उनकी कुछ मांगे हैं और क्या ये कांड या प्रकरण कोई पॉलिटिकल शेप लेगा या आने वाला वक्त बताएगा। एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी नियमानुसार जहां जांच होनी है वहां जाएगी, वहां जांच होगी। महेश जोशी ने अपनी सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दी है, उसके मद्देनज़र जो उनका बयान आया है उसके मद्देनज़र और जो दुनिया से जाने वाला बयान देकर गया रिकॉर्ड करके, उसके मद्देनज़र क्या सच सामने आता है यह देखने वाली बात होगी। और तीसरी खास बात हम बताना चाहते हैं, कल हमने चर्चा की थी उड़ती खबर में कि कोटा के रहने वाले अमीन पठान किस तरह 400 किलोमीटर दूर जाकर कामा में चुनाव प्रचार अभी से शुरू कर बैठे हैं, डेढ़ साल से सक्रिय हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्रिकेट लीग करा रहे हैं। आज उनकी रोजा इफ्तार पार्टी थी और मैंने कल ही ये कहा था कि बड़े बड़े लोग आएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी उस रोजा इफ्तार पार्टी में आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, फिल्म अभिनेता जोजो आए जो पहले भी क्रिकेट लीग के समय आए थे, और कुछ हिंदू समाज के लोग भी उसमें शामिल हुए, एक कुछ धर्मावलंबी भी हिंदू धर्मगुरु भी शामिल हुए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात हमने कल कही थी उसका प्रमाण है कि किस तरह अमीन पठान कामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में डेढ़ साल पहले से लग गए, वो चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि भाजपा से उन्हें संकेत मिला है, संदेश मिला है सक्रिय होने का। जाहिदा वहाँ से कांग्रेस की MLA हैं और ये अभी किसी को नहीं पता कि अमीन पठान को किसने संकेत दे दिया या भाजपा ने कब तय कर लिया कि वो
मुसलमानों को टिकट देगी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, और कितने टिकट देगी ये अमीन पठानी जाने। फिलहाल उनकी जो गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियां, वो हमने आपके सामने ला दी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो साल डेढ़ साल से सक्रिय हुए पड़े हैं, और ऐसी उड़ती खबरें जब कानों में आएंगी तो आपको बताई जाएंगी। फिलहाल हम कल हमने बात जहां छोड़ी थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर, मैंने एक वाक्य कहा था, रोको मत जाने दो। इसमें कोमा कहां लगना है, रोको पे लगना है, जो शायद आलाकमान चाहता है ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, रोको मत जाने दो, या मत पे लगना है, रोको मत जाने दो, जो शायद हमारे यहां का स्थानीय नेतृत्व चाहता है कांग्रेस का। इसमें डेवलपमेंट आज ये हुआ है कि चार आदिवासी विधायकों ने जो बांसवाड़ा की तरफ से आते हैं, उन्होंने अपने फीडबैक कार्यक्रम के बाद प्रेस के सामने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, अशोक गहलोत ही चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बात की अभी से घोषणा करनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, चुनाव में अभी 6 महीने बाकी है। आज कोई पूछ नहीं रहा, कोई जानना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है, फिर भी कहा जा रहा है, यानी कि कल भी हमने कहा था कि अगला चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा कांग्रेस तरफ से, और सचिन पायलट के नेतृत्व में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होने के चांस फिलहाल नहीं बचे हैं। आज जिन चार विधायकों ने ये बात कही है बाहर आकर, आदिवासी विधायक है, उन्होंने कहा हमारे इलाके में बहुत काम किया है गहलोत ने, बहुत कुछ दिया है, हम उस कर्ज को नहीं चुका सकते और अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो ही हम जीत पाएंगे और अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये एक ऐसी वार चल रही है कि सचिन पायलट बगावत भी करते हैं, इतना पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो वो बगावत भी करने के सुर आते हैं उनके, धरने पे भी बैठते हैं, बोलते हैं मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा वगैरह वगैरह। तो उनकी कार्रवाई को जब अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से अनुशासन विरोधी कार्रवाई कहा जाता है तो आलाकमान कार्रवाई नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ के और एग्रेसिव हो रहे हैं सचिन पायलट, और आलाकमान की तरफ से अनुशासन को लेकर जो बात कभी कही गई उससे पीछे हट गए, कहने वाले लोग भी चुप हो गए और फर्दर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। गहलोत के खेमे के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सचिन पायलट कब कांग्रेस से बाहर जाते हैं, और सचिन पायलट शायद ये इंतजार करते हैं कि वो एक मुद्दा उठा के बैठे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो कब कांग्रेस उनको बाहर करती है, और कांग्रेस अगर बाहर नहीं करेगी और वो बाहर जाएंगे नहीं तो कांग्रेस में रहेंगे, इसी तरह बातें करते रहेंगे, इसी तरह मुद्दे उठाते रहेंगे, इसी तरह वो विवाद भी खड़े करते रह सकते हैं। जहां तक आलाकमान का सवाल है, आलाकमान ने जो भी कोशिश करनी थी वो कर ली, मेरे ख्याल से जो मेरी सूचना है, मेरी जानकारी है कि जितनी कोशिश आलाकमान कर सकता था दोनों के हाथ मिलवाने की वो कोशिश हो गई। संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, और मैं जहां तक समझता हूं कि वो 200 के 200 टिकट खुद ही बांटेंगे अगले विधानसभा चुनाव में, इस तैयारी में है। तो जब इस तैयारी में है तो फिर सचिन पायलट पार्टी में अगर रह गए तो निश्चित तौर पर 20-30-40-50 कुछ टिकट मांगेंगे, कुछ सौदा करने की कोशिश करेंगे, अपने समर्थकों के लिए कुछ मांगेंगे, तो उस स्थिति को शायद अब मानेसर की बगावत, ये एक दिन का अनशन और बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर अशोक गहलोत खेमा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि फर्दर चुनाव में टिकट बांटते वक्त कोई सचिन पायलट गुट का हिस्सा रखा जाए, इस स्थिति को वो शायद मंजूर नहीं करना चाहते, इसलिए वो प्रतीक्षा में है कि सचिन पायलट कब कांग्रेस से जाते। और सचिन पायलट
जो मुद्दा उठाकर अपने इर्द गिर्द कुछ समर्थन जुटा रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो वो जनसभाओं के जरिए अपने मुद्दों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस इंतजार में है कि क्या कांग्रेस आलाकमान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, और नहीं करता है तो वो कांग्रेस में है। कल मैंने ये कहा था कि भाजपा में उनके मुख्यमंत्री बनने के कोई चांसेस नहीं, इसलिए वहाँ शायद नहीं जाएंगे। इस पर कुछ दर्शकों ने संकेत किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा में उनके लिए रास्ते खुले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरह ओपन ऑफर दी है, गजेंद्र सिंह शेखावत अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत अगर पब्लिकली मीडिया में ओपन ऑफर दे रहे हैं सचिन पायलट को, तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि भाजपा में सचिन पायलट के लिए कोई जगह नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि कोई जगह नहीं, मैंने कहा था उनके मुख्यमंत्री बनने के, भाजपा की सरकार आने पर मुख्यमंत्री बनने की चांसेस नहीं है। जिस पद के लिए वो कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं, जिस पद के लिए वो अपना दावा जता रहे हैं, जिस पद पर वो आना चाहते हैं और गहलोत नहीं आने देना चाहते, उस पद के लिए वो भाजपा में भी अगर चले जाएंगे तो उनके लिए ऑफर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है जो मेरी जानकारी में है कि अगर सचिन पायलट भाजपा में उनके लिए रास्ता खुला है तो उसी तरह व्यवहार होगा जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, केंद्रीय मंत्री बना लिए जाएंगे और उनके कुछ समर्थकों को टिकट दे दी जाएगी राजस्थान में विधानसभा चुनाव। क्षमा करें, इसलिए सचिन पायलट के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन सचिन पायलट भाजपा में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे, ये मैंने कहा था, जिस पर मैं आज भी कायम हूँ। और सचिन पायलट बीजेपी में अगर चले जाते हैं किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में, जिसकी अभी कोई निकट भविष्य में उनके कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी अगर चले जाते हैं, ओपन ऑफर है, दरवाजे खुले हैं, तो उनके साथ भी वही व्यवहार होगा जो ज्योतिरादित्य के साथ हुआ, केंद्र में मंत्री बनेंगे, राजस्थान में उनके समर्थकों को टिकट दे दी जाएगी। लेकिन एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि जिस तरह उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार को कटघरे में खड़ा किया भारत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, गहलोत पर कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना उन्होंने गहलोत जी पर लगाना था और निगाहें उन्होंने रखी वसुंधरा राजे की सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर, तो क्या वसुंधरा राजे इस एंट्री को वेलकम करेंगी बीजेपी में अगर वो जाते हैं तो? ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिस पर हमको विचार करना चाहिए, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, एक राजनीतिक समीक्षक होने के नाते, कि इतने खुलेआम भाजपा की एक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप रिपीट करने और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने को लेके आंदोलन करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी उस ऑफर को बरकरार रख पाएगी, और वसुंधरा राजे उस ऑफर पर अगर एग्जीक्यूशन होता है तो क्या उसे मंजूर कर पाएंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर वो मंजूर नहीं करती हैं और फिर भी वो चले जाते हैं तो इसका स्पष्ट संकेत ये होगा कि भाजपा आलाकमान, जो पहले से संकेत है कि किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताएगा, किसी के नाम पर चेहरे पर चुनाव में वोट नहीं मांगे जाएंगे, सिर्फ मोदी और मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, उस दिशा में वो एक कदम और आगे बढ़ा देगा कि वो इतना खुलेआम वसुंधरा सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले व्यक्ति को वेलकम करके पार्टी में अगर लेते हैं तो ये अभी दूर की कौड़ी है। उनके लिए रास्ते खुले हैं बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनका स्वागत कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारे प्रश्न राजनीति के गलियारों में, सियासत के गलियारों में गूंज रहे हैं। अगर वसुंधरा राजे का सवाल हम लें सामने, तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि वसुंधरा राजे जैसा दो बार का पूर्व मुख्यमंत्री उपलब्ध होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में डे वन से कहा जा रहा है कि किसी चेहरे को सामने नहीं किया जाएगा और किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, वोट नहीं मांगे जाएंगे, वोट मांगे जाएंगे सिर्फ मोदी के नाम पर। तो मोदी के नाम पर राजस्थान में वोट मांगने को लेकर बहुत सारी बातें हैं, और राजस्थान में जब कांग्रेस अगर गहलोत के नाम पर वोट मांगेगी तो बीजेपी से अगर जनता सवाल करेगी कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या भाजपा जवाब देगी, नहीं देगी, या सिर्फ ये कहेगी कि विधायक जिसे चुनेंगे, विधायकों का बहुमत जिसके साथ होगा, ये कहा जा सकता है लोकतंत्र में? लोकतांत्रिक परंपरा तो यही है, लेकिन इस परंपरा का कौन कब कहाँ कितना पालन करता रहा है हम सब जानते हैं। तो वसुंधरा राजे के समर्थक
जो खेमा है जो बार बार शक्ति प्रदर्शन करता है, उनके जन्मदिन पर समारोह करता है, वसुंधराजे खुद भक्ति करती हैं, यज्ञ करती हैं, संबोधित करती हैं बड़ी सभाओं को, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इस वक्त, लेकिन उनके खेमे को ये आशंका है, उनके लोग ये बातचीत में सबको कहते हैं कि ये संभव है कि राजे मेहनत करें, राजे बहुमत लाने की कोशिश में जी जान लगा दें, पर बहुमत आने के बाद उनको शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, इस बात की बड़ी संभावना है, आशंका कह लें उनके शब्दों में। तो राजनीति में आशंका और संभावनाओं के बीच रास्ते चलते हैं और लोगों को चलना पड़ता है, इसलिए इस आशंका के तहत वसुंधराजे का खेमा पूरी कोशिश करेगा कि आलाकमान वसुंधराजे की चुनाव से पहले ऐसी स्थिति कर दे कि उन्हें मान लिया जाए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो क्या राजे का खेमा बगावत कर सकता है? मुझे लगता है नहीं। राजे के पास तैयारी है, उनके पास खुद के पास 150 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं जो मुख्य टक्कर दे सकते हैं 150 सीटों पर, ये उनकी तैयारी है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि वसुंधरा राजे बगावत नहीं करेंगी, पार्टी के भीतर रहकर ही कोई फार्मूला निकाला जाएगा, जिस फार्मूले का जिक्र मैं आने वाले दिनों में करूँगा, उनमें ये भी हो सकता है कि पार्टी आधा दर्जन से ज़्यादा सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाने की सोच रही है, ऐसा मुझे पता लगा है, और उसमें हो सकता है दुष्यंत सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ाते हैं, ये संभावना है। तो वो क्या होगा वो सामने आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह की परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं और राजे किस तरह परिस्थितियों को स्वीकार करके चुनाव अभियान में जुटती हैं। तो इसलिए मोटे तौर पर पायलट की स्थिति कांग्रेस में जो बनी हुई है संशय की, हालांकि राजे के मामले में वो संशय नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के जाएंगी या रहेंगी फिलहाल, लेकिन राजे के मामले में ये जरूर विचार है कि वो जो चाहती हैं, जितने टिकट चाहती हैं, जितने समर्थकों के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती हैं, उसकी कितनी इजाज़त उन्हें मिलेगी, कितना वो परस्यू कर पाएंगी अपने जो अपने प्रति समर्पित लोग हैं उनकी पार्टी में कार्यकर्ता, उनको टिकट दिलवाने में उनकी क्या भूमिका रहेगी और क्या सभी 200 सीटों पर उनकी राय ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा। आलाकमान ने भी अपनी लिस्टें बना रखी है, सर्वे करवा रखा है 3-3 बार, उनके पास पता है कि कौन के जीतने की कहाँ संभावना है, कौन किस जाति का, कौन किस इलाके का प्रभावशाली नेता है। इसलिए राजे के मामले में भी अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उनके नेतृत्व को किस तरह एडजस्ट किया जाएगा, उनकी जो छवि है उसको किस तरह भुनाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, और उन्हें दिल से चुनाव मैदान में अपने आप को झोंकने के लिए प्रेरित करेगी, उन्हें उत्साहित करेगी, उन्हें आमंत्रित करेगी, यह देखने वाली बात होगी। अब हम एक उड़ती खबर पर नज़र डालते हैं। आज की उड़ती खबर आ रही है पुष्कर से। राजस्थान राजपूत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर शैतान सिंह रावत, मेडिकल डॉक्टर हैं। इन्होंने अपने रिटायरमेंट के 6.5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया वॉलंटरी। क्यों? 6.5 साल और नौकरी कर सकते थे, 6.5 साल की नौकरी में एक चुनाव और आता 1.5 साल पहले, ले सकते थे रिटायरमेंट तब, लेकिन 6.5 साल पहले। कॉन्फिडेंस देखिए इनका, डॉक्टर शैतान सिंह रावत का, कि उन्होंने 6.5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, उनका बड़ा सम्मान हुआ, उन्होंने बड़ा भोज दिया और पुष्कर के लोगों को जी खोल के जिमाया, आमंत्रित किया, और ऐसा कहते हैं मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि 2018 के चुनाव के बाद ही उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वो रावत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। हम आपको बता दें कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम आपको ये बता दें कि बीजेपी के विधायक इस वक्त सुरेश रावत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, उनका टिकट कैसे कटेगा ये यक्ष प्रश्न सबके सामने है, गूंजता हुआ सवाल है कि क्या भाजपा अपने सिटिंग एमएलए सुरेश रावत का टिकट काट कर इनको टिकट देगी। लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंट, इन्होंने परवाह नहीं की 6.5 साल की नौकरी की, उतर पड़े मैदान में, कूद पड़े मैदान में, और बड़ा समारोह करके भोज का आयोजन किया,
मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। आज ही बात हुई, उन्होंने कहा मैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी में हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा, और वो कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी। अब पुष्कर की बात चल पड़ी है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुष्कर राजनीति का एक बड़ा केंद्र बनने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, पुष्कर में उनका जन्म हुआ, वो पुष्कर से चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है उनकी तैयारी, इनकी तैयारी और सुरेश रावत का टिकट कटे ना कटे, इस संशय के बीच में पुष्कर का चुनाव आने वाले दिनों में बेहद रोमांचक हो जाए, ये संभावना मुझे नजर आती है। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और बातों को लेकर, कुछ और सवालों को लेकर, कुछ और उड़ती हुई खबरों को लेकर। नमस्कार।